बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको डॉलर रेट और रियाल रेट से अपडेट करूंगा जी। मैं अभी देख रहा था एक, आप यकीन करें, घर से कुछ ना पुराने पिक्चर में देख रहा था। मैं आपको रेट से अपडेट करता हूं। इसी से रिलेटेड एक चीज़ है जी, वो आपको दिखाना चाह रहा था। तो एक पेपर निकला है जी, हम उसे फतूरा बोल सकते हैं, आप फतूरा बोल सकते हैं हम अरबी जबान में। तो मैं देख रहा था ये किस चीज़ का, ये इसके ऊपर डेट लिखी हुई थी जी, मैं यहाँ पर डेट लिखी हुई है 30/9/18, ठीक है जी, 30/9/2018 की। तो उस टाइम का ये मेरे पास बिल निकला है, बिल था घर के राशन का। जो चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था इसमें, वो आप देख लें पहले, वो ये है जी कि आपको शायद मैं यहाँ पर दिखा दूँ, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। इसमें फर्स्ट पहली दो चीज़ों का जिक्र करूंगा, नीचे चीज़ों का क्या जिक्र करना है। नेमत घी, पाकिस्तान में डालडा घी जो होता है जी, वो 2 किलो 314 रुपये और चीनी 2 किलो 108 रुपये। मैंने जब ये देखा तो मैं हैरान रह गया कि ये भी वक्त था और आज से तकरीबन 2-3 साल पीछे की बात है, 3 साल पीछे की चलो बात कर लें। घी 157 रुपये किलो था, यानी कि 314 रुपये का 2 किलो, और चीनी थी उस टाइम 2 किलो 108 रुपये की, यानी कि 54 रुपये किलो मिलती थी। अभी आप चीनी का रेट जानते हैं 120 प्लस में है, एंड घी का रेट 157 रुपये था उस टाइम, अभी 530 रुपये हो चुका है जी। 530 रुपये, कहाँ 160 रुपये बोल रहे हैं, अभी 160 रुपये और कहाँ 530 रुपये। बहरहाल भाई, जैसे भी महंगाई हुई, किसने भी की, इसके मतलब हम बात नहीं करेंगे। मैं आपको दिखा रखा था सिर्फ ये पेपर कि आज मुझे मिला है, तो मैंने बोला आपके साथ ये दिखाता चलूं। एक मुझे हैरत हुई ये रेट देखने के बाद। बहरहाल हम पहले आपको मैं यहाँ पर डॉलर रेट दिखा दूं जी, 200 प्लस में जा चुका था, अभी आज का रेट यानी कि 200 रुपये 93 पैसे था, आज 201 रुपये 43 या 40 पैसे हो चुका है, यानी कि 50 पैसे फिर बढ़ चुका है, जो कि रोज बरोज बढ़ ही रहा है। अगर हम रियाल रेट के मुताबिक बात करें तो पहले आपको मैं एक्सचेंज रेट, करंट रेट दिखा दूं, जो कि आप देख सकते 53 रुपये 67 पैसे हो चुका है, जो कि कल 53 रुपये 53 पैसे था। हाई रेट है अभी तक का, ये इससे ऊपर नहीं गया है जी, 53 रुपये 63 पैसे था, आज 53 रुपये 67 पैसे पर जा चुका है, अभी तक का सबसे हाई रेट यही है। मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से भी बात कर लेते हैं। राजी बैंक का सबसे पहले आपको बताऊं मैं, 52 रुपये 77 पैसे रेट है जी, 10 रियाल फीस के साथ। इंजाज बैंक के मुताबिक बात करें तो 52 रुपये 82 पैसे रेट है, 10 रियाल फीस के साथ, और ये 17 भी काट लेते हैं और 23 रियाल भी काट लेते हैं, इसके मतलब मुस्लिम वीडियोस में आपको बता चुका हूं मैं। एसटीसी पे की बात करें तो 52 रुपये 65 पैसे एंड 17 रियाल 25 रियाल फीस के साथ है। वीडियो के मैं यहीं पर बात करता चलूँ जी, मैंने वीडियो क्लास में आपको ना एक यहाँ पर एक मैं वीडियो दिखा दूंगा, इस तरफ या इस तरफ, जो मैं पाकिस्तान में जब आया था मैंने रियाल चेंज करवाए थे, 1 लाख रुपये कितने का बना था, वो वीडियो आप देख सकते हैं अभी भी, मैं आपको यहाँ पर आखिर में वीडियो में वो शो कर दूंगा। उसके नीचे अभी वो वीडियो मेरा ख्याल उसके ऊपर 50,000 व्यू आ चुके हैं आप भाइयों की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक भाई आज मुझे कमेंट कर रहे थे सफेद दाढ़ी वाले के, भाई अभी तो 53 रेट है, तो तूने 2000 चेंज कराया, 2002 1,14,000 बनता है, तो तू 1,00,000 कैसे बोल रहा है। ये उस टाइम का रेट जब मैं पाकिस्तान में आया था। बहरहाल आप वो वीडियो मेरी देख सकते हैं, मैंने उसमें आपको लाइव दिखाया था। अगर बात करें हम बैंक जजीरा के मुतल्लक तो 52 रुपये 75 पैसे रेट है, और अगर बात करें वेस्टर्न यूनियन के मुतल्लक तो 52 रुपये 80 पैसे रेट और 23 रियाल फीस। अगर मनी क्लब की बात करते हैं तो 53 रुपये 2 पैसे रेट हो चुका है, 23 रियाल फीस के साथ है। ANB बैंक की बात करें तो यहां पर आपको 52 रुपये 75 पैसे रेट मिलेगा, 10, 15 एंड 23 रियाल फीस के साथ। मुस्लिम बैंकों के हिसाब से बता दिया आपको, आप भाई लाइव भेजते हैं, कमेंट में मुझे बता दीजिए, चाहे मुझे भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है उससे, और देखने वालों को भी पता चल जाता है कि आज का करंट रेट क्या रहा। हाँ, आप 1 घंटे बाद बैंक में चले जाएंगे तो रेट मुस्लिम होता है, ये तो कन्फर्म बात है।